नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अस्थी, रायबरेली पर मौजूद हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी और इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं कार्यालय पर कांग्रेस का। कांग्रेस का जिला कार्यालय है, तिलक भवन के नाम से इसको जानते हैं। तो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इन लोगों को उम्मीद थी राहुल गांधी जिस तरीके से अब मैदान पे आ गए, आखिरी दिन उनका नामांकन हुआ। अरे मैं तो खुद समझता हूँ, आई एम राहुल गांधी, देर आर नो डिफरेंस। भाई लड़ रहा है, अब मैं उसकी गली गली देखे अभी मैं आया हूँ। ये कांग्रेस गारंटी गार्ड बांट करके मैं इसको गली जा करके बांट रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ लोगों को किसके याद है। 5 गारंटियां मैं समझा रहा हूँ। 1,00,000 वेतन, ठीक है, एक हर युवा को हर महीने 18 मिलेगा। हमारे स्वास्थ्य प्रति उसको व्यवस्थाएं होगी। कोई व्यक्ति कर्ज माफी का इसमें गिनती करो क्या हमारे जिसकी साझेदारी जिसके जिसको तो होना है। हाँ। ये यही हमारा चीज है। और नहीं, हाँ देखिए, जो मतलब आपने बताया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। भाई ये करेक्ट है, दिस इज परफेक्टली ट्रूथ है। और दूसरी उन्होंने एक बात कहा, जो टापर लड़का होगा वो चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे एससी का, उसको स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगा। आपने जो कहा कि मतलब कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ठीक है, तो राहुल गांधी जी को किस हिसाब से यहाँ पे टिकट दिया? भाई देखिए, राहुल गांधी यहाँ तो कोई है, देर आर नो एनी फार्मूला, यहाँ ओनली 1 फार्मूला, गांधी फैमिली। यहाँ कुछ लेता किस हिसाब, मतलब कि ये भागीदारी वाले उसमें तो ये राहुल गांधी जी का जो गारंटी कार्ड है इसमें इस हिसाब से फिट ही नहीं बैठ रहा है राहुल गांधी। पूरे देश के फिट बैठ, देखो पूरे देश के अंदर ये लोगों को बेवकूफ बना रही थी गवर्नमेंट, लेकिन राहुल गांधी ने कहा दूध। राहुल गांधी जी इस वाले कार्ड में फिट नहीं बैठ रहा है आपके, दूध पानी सब नहीं। गलत, दिस इज परफेक्ट। राहुल गांधी, नो, राहुल गांधी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ही नेवर टेल ए लाई। और आदरणीय और भाजपा ऑलवेज टेल लाई, भाजपा नेवर स्पीक ट्रूथ। और सुनिए, और आपको तो बोलने का ये अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो अगड़े हैं, पिछड़ों का आग मारा जा रहा है, आप अगड़े हैं। देखिए, आज किसी ने इस मुद्दा को उठाया है। हाँ। अगर कोई न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, देखिए दो चीजें, सत्य और असत्य। राहुल गांधी जी कहते हैं अपनी जाति का चुनो, तो आप तो ब्राह्मण। मेरी रेस्पेक्टेड माई ब्रदर, प्लीज डीपली लिसन दैट आई एम सेइंग, राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा धर्म की लड़ाई रही। जिस प्रकार रावण अधर्म के रास्ते पे मारा गया था और कर्ण से जो है अधर्म के रास्ते पे मारा गया था, लेकिन ये बीजेपी इसका 2024 पे पूरा साफ मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। 15 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और कांग्रेस को 17 की 17 सीटें मिले और इंडिया गठबंधन को 35 से 38 के बीच में। प्लीज नोटेड दिस पॉइंट, इंडिया गठबंधन। ये तो पहले हमें फार्मूला तो समझाइए, ये वाला जाति जनगणना वाला। देखिए मैंने एक्सप्लेन, आई हैव एक्सप्लेन दिस, कि यहाँ फार्मूला जैसे राहुल, देखो ये नहीं सुबह क्या कहा, दोपहर को क्या कहा, राहुल गांधी जो सुबह कहते हैं वही दोपहर जो कहते हैं उसको करते हैं। भैया आप किस जाति? मुस्लिम। आप किस जाति? जनरल हैं। आप? मुस्लिम। आप? पासी। तो आप बताइए, आप लोग मतलब कि ये स्वर्ण जाति के हैं, ठीक है, और ये बैकवर्ड से हैं, मुस्लिम जात हैं, ठीक है, ये सब राहुल जी की टीम है, ठीक है। जात बात नहीं, हर जात का सम्मान है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जात धर्म का सम्मान किया जाता है और सभी का वोट मिलता है कांग्रेस को। और राहुल गांधी तो जाति की बात कर रहे हैं, जाट वो उनका कहना है, दबे कुचले जो लोग हैं उनको जब तक अंतिम व्यक्ति को ऊपर नहीं लाया जाएगा तब तक विकास कैसे संभव होगा। मतलब कि जो 80 लोग पीछे हैं, तो अगर संपन्न बनाना है राष्ट्र को तो उनको 80 को जो ऊपर नहीं लाएंगे, समानता नहीं लाएंगे। जो स्वर्ण जात के हैं, जो एक तरीके से जनरल कैटेगरी में हैं, वो सब आगे हैं। नहीं नहीं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं कैसे उसका? अरे तो ये तो ये तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मतलब कि पिछड़े हैं उनको भी तो मौका दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब कि जो पूरा पढ़ा नहीं न्याय पत्र, नहीं आप बताइए ना इसमें क्या कहा, अगर ये वाला हमें होगा, नहीं नहीं ये वाला, अरे ये कैसे होगा, परफेक्ट होगा तभी आगे सब, तभी से चुका है, चाहे मेरा बेटा चाहे आधार पे जो 10% उनको मिल रहा है ना, तो वो जा रहे हैं जो उस तरह के, बाकी जो सक्षम है और जो मतलब नीचे हैं काफी, अंतिम व्यक्ति के रूप में हैं, अंतिम पायदान पर, उनको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये काम उनका है। राहुल गांधी जी ने कल कहा कि
एक तरीके से जो स्वर्ण जात के हैं, जो आगड़ी जाति वाले हैं, वो पेपर लिखते हैं बड़े बड़े एग्जाम, इसी वजह से बताइए दलित पास नहीं हो पाता। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा, ये सब गलत। अच्छा ये लीजिए हम आपको सुनाते हैं, रुक जाइए हम आपको सुना ही देते हैं। ये देखिए राहुल गांधी जी का आप बयान सुनिए, ठीक है। जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है? मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में, जैसे हमारी IITs होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको SAT कहते हैं। और जब SAT पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। और वो जो अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ, अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए ही हो गए। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया ये मेरिट से रहे, सवाल मैंने भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो दलितों से लिखवा के दिखाओ। उन्होंने ये कहा है कि अपर कास्ट अगर कहा है तो आप दलित से वो लिखवाओ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप जो है सब सवर्ण जो है लिख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन आपका गलत है। क्या यू आर नहीं नहीं यू आर ट्रस्टी एंड ड्यूटी ऑफ द BJP? क्या यू हैव टेकन योर डिसीजन? तो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं ओनली फॉर द राहुल गांधी जी। अरे नहीं, हम तो आई एम द मीडिया भाई, राहुल जी वही बात कर रहे हैं जो हर जन कह रहा है। आप किस जात के? हमारी जात से क्या लेना देना आपको? राहुल गांधी जी गिनती कराए? कोई नहीं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम सिर्फ कांग्रेसी हैं और इंडियन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जाति का और धर्म की बात यहाँ मत करिए। राहुल गांधी जी, धर्म की बात करनी है तो आप भाजपा कार्यालय के सामने जाइए। राहुल गांधी जी, जाति और धर्म की बात करनी है आप भाजपा कार्यालय के सामने जाइए। ये राहुल कार्यालय के सामने जाति और धर्म की कोई बात नहीं की जाएगी। तो ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ जाति और धर्म की बात भाजपा कार्यालय के सामने, हम गिनती कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा सामने करिए जाके, यहाँ पे नहीं। जाति और धर्म की बात करनी है भाजपा कार्यालय के सामने जाइए, कांग्रेस कार्यालय के सामने जाति और धर्म की कोई बात नहीं कही। यहाँ पर सबका एक है, आपस में सब भाई भाई, ये कांग्रेस की देन थी, ये कांग्रेस का नारा था और कांग्रेस आज भी उसी पे सम्मिलित है, समझ गए? भैया एक बात बताइए, हम लोग तो बड़े आराम से बात कर रहे हैं और आप ही की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि मतलब कि हम जाति जनगणना कराएंगे, इसी वजह से हमने पूछा आप किस जाति। हाँ सुनिए, राहुल जी ने बोला है कि हम असमानता को समान करेंगे, वही जाति जनगणना। एक मिनट, हाँ उसमें आप किस जाति के हैं? उसमें जाति भी है, उसमें जो है आपका जो है अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक आधार भी है, सारे सब कुछ है। जब जनगणना होती ही है, आपको पता है जनगणना का पैटर्न कैसे होता है? जनगणना का जब पैटर्न होता है उसमें जो है जाति लिखी जाती है, आपका लिंग तक लिखा जाता है, आपका जो है कितना आपने आय है, आपकी पारिवारिक आय कितनी है, आपकी अपनी खुद की आय कितनी है, सारी लिखी जाती है। वो सब सार्वजनिक नहीं किया जाता है। अब वो सार्वजनिक जब और क्या सार्वजनिक किया जाएगा? आप बोलिए ना अपना, आप तो चिढ़ गए। जब हमको रिटर्न में मिला जाएगा कि आपको ये लिखना है, हम वहां लिख देंगे, यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लोकसभा ये कार्यालय है राहुल, मैं मेरा अधिकार है, मैं यहाँ पे बोलूं या ना बोलूं। अरे तो मैं इस वक्त इस विषय पे जाति और धर्म के बात पे मैं क्या हूँ, ये यहाँ पे जितने लोग मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं। उसके अलावा मैं बताने नहीं जानता हूँ। खुला बोलिए ना। मैं क्यों बोलूं ये बात कि मेरी जाति क्या है? मेरी जात से आप मुझे पानी पिलाने को दोगे? वही तो कह रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी जात जान छोड़ो। मैं होटल में जाता हूँ, मुझसे जात पूछ के पानी नहीं दिया जाता है। मैं होटल जाता हूँ तो उस मेरे जात से पूछ के पानी नहीं दिया जाता है, पानी मुझे, हाँ भाई आप आयो पानी लीजिए, ठीक है। हम उससे नहीं है जो गंगा जल को जमीन पर डाल के धो देते हैं। गंगा जल हमारी माता जी, हम उसकी मात मानते हैं, जमीन पर नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग गंगा जल की पूजा करते हैं और बाद में उसको जमीन पर डाल के धोते हैं, ऐसे हम लोग नहीं है। गंगा जल से तो नहाते भी हैं आदमी, लोग नहाते हैं, धरती में तो पैर भी रखते हैं, तो धरती माँ है। नहीं नहा तो एक तरीके से धोना अलग चीज है, नहाना अलग चीज है, धोना अलग चीज है। आप उसी पे तो पैर रखते हैं, गंगा जल से अपना पिछवाड़ा नहीं धुलोगे आप। तो ये पानी कहाँ से आया है? आप गंगा जल को क्या मानते हो? आप पानी कहाँ से आया? आप पानी कौन लेके आया? पानी कोई भी लेके आया, आप बताओ लेके गंगा जल को आप क्या? नहीं, पानी क्या है? गंगा जल और बाकी जल कैसे डिफरेंट है? आप अलग अलग है क्या? दो जल गंगा जल और वो अलग। देखिए ये धर्म से जुड़ा हुआ है, हम कुछ भी बोलेंगे ना भाजपा वाले उसको लेके उड़ लेंगे, अरे ये तो नास्तिक है। अगर हम कुछ वो कुछ करेंगे, उन्होंने अगर अभी हम लोग पानी डाले होते जल उसमें, तुरंत इसको जो है बवाल बना देते। आज उन लोगों ने किया, कोई कह रहा है उसके बारे में कुछ? कोई नहीं बोलेगा उस विषय पर। अच्छा ये बताइए, जैसे मतलब कि
राहुल जी जो कहते हैं कि जिस दिन से आए उस दिन से जाति की ही बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, कि पिछड़ों को एक तरीके से सताया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, पिछड़ों को आगे लेके आना है और मतलब कि स्वर्ण लोग कब्जा किए हुए हैं बाकी सारी चीज़ों पे। आप गलत क्वेश्चन फिर कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कहीं स्टेटमेंट ऐसा दे रखा हो और मुझे दिखाया नहीं, वो गलत स्टेटमेंट आपने उसमें जो बोला कि आपने वो नहीं, आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन सही करो, आप आंसर सही मिलेगा। क्वेश्चन सही तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन सही नहीं, नहीं आप पहले क्वेश्चन सही करो उसके बाद आंसर सही भी मिलेगा। अच्छा, राहुल गांधी जी को किस आधार पे कैंडिडेट यहाँ से बनाया गया? किस आधार पे बनाया गया? दिनेश सिंह को किस आधार पे बनाया गया? वो अपना मतलब कि हाँ बताइए, दिनेश सिंह को किस आधार पे बनाया गया? राहुल गांधी जी को हम इस वजह से पूछना है क्योंकि वो तो जाति के आधार से फिट ही नहीं। नहीं नहीं, आप दिनेश सिंह को बताइए ना, आपने राहुल गांधी को आधार पूछ लिया, मैं दिनेश सिंह का आधार जानना चाहता हूँ। यहाँ पे तो ठाकुर वोट है, राहुल ठाकुर वोटों का। यहाँ पे दिनेश सिंह के अलावा आदित्य सिंह भी है, मनोज पांडे भी है, आपके अजय अग्रवाल जी कई दिनों से घूम रहे थे, ठीक है, उनको न देके दिनेश सिंह को किस आधार पे दिया है आप मुझे ये बताइए। यहाँ पे ठाकुर को एमएलसी भी है, स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री भी है, उनके पास सब कुछ है, उसके बाद लोकसभा के लिए क्यों उनको टिकट दिया गया? जो बाकी हमारे मनोज पांडे जी हैं, आदित्य सिंह जी हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया टिकट आप बताइए? वो तो बताइए, बस वही चीज है आपकी बात, हमारी बात है ना, आपकी बात। तो जिन्होंने टिकट दिया ये सवाल उनसे पूछिए, और यहाँ हम लोगों की मांग है, यहाँ सिर्फ गांधी परिवार ही रहेगा और रायबरेली का सिर्फ पहचान गांधी परिवार है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। आप भी अगर बाहर जाओगे तो आपसे पूछा जाए, अच्छा रायबरेली, वही सोनिया जी का क्षेत्र, ठीक है, पूरे विश्व में अगर आप नाम है तो सिर्फ गांधी परिवार के नाम से रायबरेली पहचान जाती है, और आज रायबरेली ही गांधी परिवार को लेके आई है। मतलब बाकी कार्यकर्ता नहीं है काम करने, और कोई काम नहीं करता रहा, हम लोग सब परिवार के सदस्य हैं, सब उन्हीं के लिए। आप लोगों का मौका कब आएगा? आएगा नहीं आएगा, हमसे से क्या लेना देना, आपको इससे क्या लेना देना, हमको नहीं चाहिए वो मौका, आप बताइए, हमको वो मौका नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गोदी मीडिया गोदी मीडिया है तो कम से कम सब गोदी है भैया, पता कर लो सवाल कम से कम अपने ऊपर, ये तो करो कि पत्रकार हो, केवल डंडा पकड़ने से पत्रकार हो जाओगे। अच्छा आप बताइए किस तरीके के सवाल करें हम, बताइए। नहीं आप बताओ, आप सवाल पूछ बोल दीजिए, उसी बात पे हम बात करें, चाहे जौन पूछो आप, लेकिन पूछो तो जवाब ले, जब जवाब मिल जाए तो उतने संतुष्ट हो जाओ। कैन कहा, कैन उंगली करी, कैन फिर कहा हुआ, कैन कितना अंदर का हुआ, ये सब ना करो। आप सवाल कर रहे हो, जवाब मिल रहा आपका, मतलब ज्यादा उंगली नहीं, नहीं ज्यादा उंगली की बात नहीं, आप पूछो जौन पूछना हो, जौन सवाल चल रहे हैं उनके बारे में पूछो आप। तो उसी सवाल के बारे में तो हम चाचा बात कर रहे हैं, मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं, गारंटी कार्ड ही पे बात की हमने, लाइए गारंटी कार्ड पे ही बात की हम, एक सेकंड दिखाइए, बताइए क्या नाम है आप? राजेश चौरसिया। चौरसिया साहब, अरे चलिए मान लो जी, आप तो अगड़ी जाति वाले हैं, चलिए लेकिन हम ये देखिए, नहीं हम जात वाली बात, पहले हमारी बात समझिए, यहाँ जात पात का कोई मतलब ही नहीं। अरे तो ये आप देखिए, इसी पे हम बात कर रहे हैं, गारंटी कार्ड पे। हाँ, गारंटी कार्ड में ही तो लिखा है, सामाजिक एवं आर्थिक समस्ता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, हर व्यक्ति को वर्ग की गिनती कराई जाएगी, तो इसी वजह से हम आपकी जात पूछ रहे हैं, तो गिनती हो जाएगी उसी हिसाब से, अब गिनती कराई जाएगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे दलित हैं, तो किस बेस पे राहुल गांधी को टिकट दिया गया? मतलब यहाँ पे राहुल गांधी का एक तरीके से वही फिट नहीं बैठता यहाँ पे, टिकट फिट नहीं बैठता इस आधार पे। राहुल गांधी देश के नेता हैं, समझो, वो पूरे देश के लिए करते हैं, है? आप सोनिया गांधी को हम लोगों ने जिताया था 15 लाख टुकड़ा के, सोनिया गांधी ने क्या किया मालूम है आपको? बताइए रायबरेली के, आपका ना मालूम हो, ये हमका मालूम है, बताइए आप रायबरेली के, रायबरेली नहीं पूरे देश के लिए उन्होंने मिड डे मील, भोजन का अधिकार, RTI, ये सब उन्हीं की देन। मिड डे मील, भोजन, भोजन का अधिकार, भोजन नहीं, भोजन का अधिकार कैसे? हाँ कैसे, गरीबी रेखा से नीचे लोग के लोगों को बहुत कम पैसे में उन्होंने राशन दिलवाया। कितने में? 2 रुपए किलो चावल, हाँ 3 रुपए किलो गेहूँ, और मतलब 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूँ, तो इससे मतलब कि गरीब का पेट भर रहा था।
क्यों नहीं भर रहा था इतने सस्ते में? ये बता दीजिए, ये एक मिनट, आप बहुत कंक्लूजन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ये जो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, अगर इन्होंने सिर्फ 80 करोड़ नौकरियां दें, हाँ ये 2 लाख करोड़ नौकरियां कह रहे थे, सिर्फ 80 करोड़ नौकरियां दे देते तो ये मुफ्त में राशन देने की जरूरत ही ना पड़े। तो भिखारी बना दिया, तो फिर आपकी बात गलत हो गई। 2 रुपए 3 रुपए वाली है? तो फिर 2 रुपए 3 रुपए में क्यों देना पड़ रहा था उस समय अगर नौकरी दे दी जाती? एम्प्लॉयमेंट होता उसके पास, कैसे गलत हो गई? एम्प्लॉयमेंट होता उसके पास, वो फिर सस्ता देने की क्या जरूरत थी? अगर नौकरी करेगा तो खुद ही खा लेगा। आप जैसे मान लीजिए हमें थोड़ी चाहिए, वो अपनी जनता को बात का समझा करो यार, तुम्हारे ऊपर कुछ है कि नहीं? हमने क्या कहा? गरीबी रेखा के नीचे के गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को बहुत कम पैसे में अनाज दिया जाता था कि वो स्वाभिमान से कम पैसे में अनाज भी ले जाए और आगे बढ़ने के लिए तरक्की भी ढूंढे। मनरेगा की मजदूरों को काम 100 दिन का रोजगार मिलता ही रहे, कि जो स्वाभिमान से सूचना का अधिकार की देश की जनता मालिक है, वो तो देख रहा हूँ ना, जो बने हुआ प्रधानमंत्री है, सुबह ब्यूटी पार्लर वालन से है, ओके बाद 4 जोड़ी कपड़ा बहुत फोटो मीडिया गाले, 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 कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं आपका वो जाएगा, चलो फोटो मीडिया लगेगा कार्यकर्ता, सॉरी फोटो मीडिया, तुमरे जैसे लोग की फोटो सुबह शाम तक नहीं हो, कबो यूँ खड़ा हो, कबो यूँ, कबो सदरी, कबो है, ओके पास काम का है, जोन वादा किए सो का जुमला बता दी हैं, डिग्री अपनी दिखा नहीं पाए। तो ऐसे लोगों के सामने आप राहुल गांधी या गांधी परिवार जो आज तक देश का इतना यहाँ तक लेके चले आए हैं उनकी बात करे आए हो। तो एक सीट में कैसे सिमट गई पिछली बार एक सीट में सिमट गई, धोखा तो खा गई रही जनता 14 में, अब आप बताओ तो खा ही रही है 14 के बाद 19 में भी खा ले, हैं 19 में भी खा ले, हाँ तुम लोग साथ रहो बताए तो गोदी मीडिया अच्छा चैनल वालों के ऊपर बड़ा आरोप लगाया जाता है, ये लोग देश से गद्दारी कर रहे हो, सुनो नहीं रुक जाओ इनका चैनल बंद करा दिया जाता है, रुकियो तो देश से गद्दारी कर रहे चैनल वाले, अगर जो आपका काम है देश को सच दिखाना, अगर जो आप सच नहीं दिखा रहे हैं कि चीन में कहाँ तक कब्जा हो रहा है, आप सच नहीं दिखा रहे हैं कि ये इंजेक्शन में क्या खराबी है, अच्छा आप कह रहे हैं कि देश से गद्दारी कर रहा है चैनल, देश से गद्दारी है, देशद्रोह है मीडिया का, इसलिए कि ये काम मीडिया का ही है। आप बताते हो कि हमका चैनल वाले जो कात हुआ हम बोली थे तो भी कौन जरूरत है, इससे अच्छा कोनो ऐसा धंधा कर लेते हो जो मसाला कुछ ना होते पड़े पड़े खोते हो, हाँ मतलब नहीं कहे नाओ 5 किलो अनाज खाए, 5 किलो अनाज में कितने दिन खा लेंगे आप बताओ, 1 महीने आप 1-5 किलो दे रहे हैं तो खाएंगे, कहते जो बांट रहे हैं। कांग्रेसियों को ये नहीं है कि अपनी चिंता, कांग्रेसियों को चिंता जो है वो देश की है, देश सही हाथों में पहुंचे, देश गांधी परिवार कांग्रेस के हाथों में पहुंचे, इसकी चिंता है। आपने कहा कि बहुत मतलब कि मीडिया इस समय साथ दे के 19 में भी उनको जिता दी, तो उस समय पे क्या था इमरजेंसी? देखो बहुत से फैक्टर हैं, जैसे EVM, अब आप कहियो EVM तो हम नहीं माने, चलिए EVM पे ही बात कर लेंगे, अब हम बताइए EVM भी एक फैक्टर है, 19 लाख गायब है आप लोगों का मालूम, अच्छा, EVM है 19 लाख गायब है ये मालूम है ना? हाँ मालूम है, ठीक है, तो का काम गायब ये तो चुनाव आयोग भी स्वीकार की इसे, इतना तो मालूम है ये कि हाँ 19 लाख गायब है, तो क्या कर रही है यही तो 19 लाख, हाँ 19 लाख, अच्छा एक जगह पे कितनी EVM लगती होंगी एक लोकसभा में? अब पता नहीं ये तो हम नहीं बता सके, ये तो तुम्हें बताइए, आप ही बताइए, आपको 19 लाख का डेटा मालूम है तो ये बताइए, 19 लाख उसने स्वीकार किया था तो वो बता रहे हैं हम, ठीक है तो EVM से क्या मतलब कि कैसे क्या क्या होता है? अब EVM हाथ में आवे तब तो पता चले कि क्या होत, तो आप ही का EVM से क्या है मतलब कि क्या दिक्कत? हो सकता है कि मतलब उसको बदल के दूसरी रखी जाती हूँ, हो सकता है कि वो कोई चिप लगी हो जिससे वो दूर से बैठ के हैक हो जाती हूँ, बहुत से कारण हैं। तो EVM एक तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि वो वाली सुनिए 14 के इलेक्शन के बाद
जब हम लोगों को समझ में आया तो हम लोगों ने शुरू से ही केवल एक चीज की मांग उठाई कि वीवीपैट की पर्चियां आप गिनवा दीजिए। तो ईवीएम में कैसे क्या होता है, मतलब कि ईवीएम हैक होती है कि उसमें एक तरीके से पर्सनल अब ओका आप हम लोगों के हाथ में दे दो थोड़े दिन के लिए लेके, तो हम बताई थे हुआ तो तीनों चार सुनो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके वो तीनों चार चुनाव आयुक्त अपने बैठा ली नाच गा के। तो ईवीएम किस बेस पे कैसे क्या होता होगा, मान लीजिए किस ईवीएम को कैसे मालूम चलेगा कि हम कहाँ जा कहाँ पे हमें वोटिंग करवानी है और किस पार्टी के लिए किस नेता के लिए करवा, एक ही पार्टी के लिए हो रहा तो कैसे सेट हो पाता होगा, लाइए ना ये तो सरकार बताएगी जो कराई हुई। अरे यार यही तो हम तुमसे कह रहे हैं कि एक बार एक जवाब आपके पास है कि नहीं, यही कि ईवीएम सेट होते कि नहीं होते ये सब जवाब तो हम पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं सेट होते, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा आपका है, अगर ऐसा होता तो अभी तक मतलब कि कोई प्रूफ के साथ दिखा देता, कैसे दूर से नहीं अगर प्रूफ नहीं, नहीं तो बैलेट पेपर से कहीं नहीं जब मांग की जाती तो बैलेट पेपर दूर से देख ले, तो हम तो केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि आप वीवीपैट की पर्चियां खुलवा दो हैं, इससे ये होगा कि अगर जो हम गलत होंगे तो सामने आ जाएगा, वो गलत होंगे तो सामने आ जाएगा, मालिक वो नहीं है, मालिक है जनता ना, सुप्रीम कोर्ट मालिक है देश का, सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय करना देश की जनता के साथ, और चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना निष्पक्ष, समझे नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, कहां हो पा रहा, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का तो दता बता दी नहीं, ये अपना चुनाव लड़े जा रहे हैं और अपना चुनाव आयुक्त तो रख रहे हैं, कैसे निष्पक्ष कैसे माना जाएगा कि निष्पक्ष चुनाव है, मतलब कि कैसे माना जाएगा कि निष्पक्ष चुनाव, जो बैलेट पेपर से करा ले चुनाव, बैलेट पेपर से करवा ले, नहीं तो वीवीपैट की पर्चियां जो हैं वो हम लोगों ने पहले मांग की थी कि कर्नाटक में निष्पक्ष हुआ कि नहीं, हिमाचल में हुआ, सुनो 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 जो रसगुल्ला बांट रहे हो ना एक सुनो रसगुल्ला, नहीं पहले हमारी बात सुनो, जहां एकदम विपरीत रहा था ना वहां अगर जो वह कर दें तो गलत हो जात, वो जाना था बेईमानी करे वाला जाना था कि हमका कहाँ छोड़ना है कहाँ पकड़ना है, मतलब कि गढ़ वाली जगह छोड़ दे रहे हैं, गढ़ वाली नहीं जहाँ जान रहे हैं कि यहाँ एकदम विपरीत मामला है वहाँ तो उनका छोड़ना पड़िए, भले कम ज्यादा कर लें अपने आप का, जैसे जानते जैसे रायबरेली में बेईमानी नहीं कर पाएंगे, जैसे 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीत रहे हैं तो वहाँ से कितनी बेईमानी करेंगे, इस लोकसभा पे 5000 की तब भी 4 लाख से जीतेंगे, अच्छा इस लोकसभा पे कितना वोट होगा बताएंगे, सारे लुरे बैठा दिए गए, कहा पत्रकारिता में यार हमका बताओ, अरे चाचा आप हमारे ऊपर क्या गुस्सा हो रहा, आप लोगों की आप ही लोगों की तो बात करना है, लोग अरे 15-16 लाख वोट वही तो बात करना है, पूछ रहा है उनका हम पूछ रहे हैं, हम तो मान लीजिए हर लोकसभा में जाते रहते हैं, अभिमान क्वेश्चन अच्छे अच्छे यही तो पूछ रहे हैं कितना वोट है और उसमें क्या गलत पूछ रहे हैं, 15-16 लाख वोट है जी, अच्छा ये 15-16 लाख वोट है, मुद्दा चुनाव में मतलब कि इस बार रायबरेली की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि ये सीट परंपरागत सीट है गांधी परिवार की, ठीक है 1952 से 50 के बाद 52 से यहाँ पे गांधी परिवार का एक तरीके से फिरोज गांधी लड़ते रहे, इंदिरा गांधी लड़ती रहीं, सोनिया गांधी लड़ते रहे, अब राहुल गांधी को इस बार टिकट दिया गया है, तो इस बार क्या फैक्टर है कि मतलब कि जीत का और क्या मतलब कि इस सीट का वो आकलन है आप, जीत का यही फैक्टर कि हम अपने यहाँ से अपने देश का एक प्रधानमंत्री लड़ा रहे हैं और वही एक अकेला ऐसा नेता है जो विपक्ष का सामना कर रहा है सच्चाई का, और सब जो है उन्हीं की दाल रोटी में चल रहे हैं, क्योंकि अगर विपक्ष का कोई नेता बोल देता है तो उनकी ईडी जांच या जितनी जांचें होती हैं उनको करके अंदर कर देते हैं, इसलिए सब लोग डरते हैं, एक ऐसा देश का यही एक नेता है जो निष्पक्ष चुनाव के लिए निष्पक्ष राज्य के लिए आपके साथ हमारे लोगों के साथ खड़ा हुआ है, और जिस पत्रकार का चैनल अगर बीजेपी वाले कहते हैं वो उनकी भाषा ना बोले तो उन्हीं के रविश वगैरह जैसे जो हैं चैनलों को उनको बंद करा देते हैं, जो है अगर चाहे आज तक हो चाहे जी न्यूज़ अगर उनकी भाषा ना बोले चाहे अंजना ओम कश्यप हो अगर उन कहते हैं ना कि बीजेपी की तो गोदी मोटी तो अगर ये ना कही जाए तो उनको कल से उनकी सैलरी देना बंद करा देते हैं, उनको चैनल से ही हटा देते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष आप ऐसी पोस्ट पे हो सर का मतलब देश के लोकसभा में क्या मुद्दा है, इस लोकसभा में हमारा मुद्दा कोई नहीं, हमारा आज हमारी रायबरेली नेहरू खानदान से पहचानी जा रही है और आज उन्होंने ही आज तक हिंदू मुसलमान जितने सारे मुद्दे बनाए जाति भी नहीं कुछ नहीं, आज तक जितना भी विकास हुआ है
वो नेहरू और गांधी कांग्रेस खानदान ने किया है। आज इसके बाद या तो अगर बीजेपी कहती है कि मैंने रायबरेली और अमेठी में कोई नया एक रुपए का काम किया हो, कि हाईवे वगैरह बनवा दिए सब और एम्स का हमने चालू करवाया, वो सब ईंट रख के चले गए। एम्स दिया किसने? सरकार से, यूपी सरकार दुनिया की दूसरी जगह से ला करके एम्स का उद्घाटन कांग्रेस ने किया। लालगंज का रेल कोल कहना उन्होंने किया। जितनी भी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियल एरिया थी वो कांग्रेस की देन है। आज इनकी देन ये है उनको बंद कराना, नेहरू गांधी खानदान की परिवार को बंद कराना, जिससे इनकी बदनामी हो और इनको यहाँ से उजाड़ फेंका जाए। लेकिन फिर भी उनकी पाएगा उजाड़ने वाला कभी नहीं हो पाए। रायबरेली और से तो कभी नहीं कर पाएंगे, सपने में न सोचे। तो अमेठी से क्यों आना पड़ा राहुल गांधी? अमेठी से वो उनकी वो है, दोनों पारिवारिक सीटें हैं, दो जगह से लड़ रहे थे। उनके पहले वहाँ संजय गांधी लड़े, राजीव गांधी लड़े, फिर इसके बाद यहाँ राजीव गांधी को चले गए थे, यहाँ सोनिया जी, पहले सोनिया जी भी वहाँ से लड़ी, यहाँ लड़ी, फिर यहाँ आ गई। अब यहाँ वो अपनी वहाँ के लोग इतना खास नहीं है, मैं अमेठी के लोग खास नहीं है। क्यों अमेठी में क्या सतीश शर्मा का पहले लड़ाई नहीं लड़े? नहीं संजय गांधी लड़े? नहीं संजय सिंह लड़ाई नहीं गए? छोड़ छोड़ के जिनको यहाँ का देखा गया उनको जिनके अपना बनाया गया वो छोड़ छोड़ दूसरी उन्हीं बीजेपी वाली पार्टी में चले गए। तो अब हम लोगों ने कहा यही सोचा कि जो हमारे खानदान नेहरू और गांधी है हम उन्हीं को लड़ाएंगे, क्योंकि हमारा यहीं से प्रधानमंत्री बन के जाता है। कि मतलब कि जिनको कांग्रेस लड़ाती रही वो छोड़ छोड़ के चले गए, विश्वास के बीच बीच में जिनको मतलब या तो उन पार्टियों से मिले रहे हो या हमारे कोई भी रहो, हम भी गए आए हैं लेकिन वो छोड़ के गए। तो अगर मान लीजिए वो शर्मा जी भी चले गए अमेठी से? नहीं गए, गए ही नहीं, चले गए। नहीं चले जाओ तो बाद की बात है ना, वो तो बाद की बात है। जब आप उसका जवाब मैं बाद में दूंगा जब जाएंगे तब। लेकिन आज 40 साल से कोई सांसद कोई पद नहीं, निस्वार्थ सेवा किया रायबरेली और अमेठी के लिए, ये आप भी मालूम है पूरी देश की जनता को। अभी जवान से कार्यकर्ता कह रहा है कि बलि का बकरा बना दिया गया, मतलब कि उनको शर्मा जी, ये तो ये इसलिए वो बता नहीं नहीं ये इसलिए कह रहे हैं कि इनके इनके अंदर फूट डाली जाए सर जो रायबरेली अमेठी में, तो अमेठी में वो चाहे जितना कर ले। इस बार वो अपने की गली गली में हर व्यक्ति को जानते हैं, व्यक्ति को जानते हैं और उनको इस बार को भी जानता है। मतलब राहुल से मजबूत कैंडिडेट है, राहुल गांधी से मजबूत, दोनों कैंडिडेट बहुत मजबूत। राहुल गांधी की वजह से, अगर अभी यही इसमें नहीं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की वजह से मजबूत कैंडिडेट है। हमारे पहले नहीं थे, सोनिया गांधी के समय में नहीं थे। कौन? सोनिया गांधी के समय में कैंडिडेट नहीं रहे? सोनिया गांधी के थे भैया, सोनिया गांधी के कार्यकर्ता थे, प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधि थे, सलाहकार भी नहीं, प्रतिनिधि थे, क्या समझो। अच्छा ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी जी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीत जाएंगे दोनों जगह? दोनों जगह से जीते, पिछली बार जीते थे, इस बार जीत जैसे कह रहे हैं वहाँ से हार रहे हैं तो यहाँ से लड़ रहे हैं दोनों। इस बार आपको 4 तारीख को मालूम हो जाएगा जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, और भारी मतों से जीत रहे हैं। तो खाली कहाँ की होगी? खाली इस बार अब उनकी सोच है, हमारे नेताजी की, वो कहाँ से करेंगे, रायबरेली तो नहीं करेंगे ये विश्वास है। बयानात कर देंगे, बयानात करेंगे अपना कोई एक, जो उनका विश्वास भी करे, विश्वास वो उनका है, वो ये उनका निर्णय है, पहले हमारी बात समझिए। नहीं 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 अब आप लोग मान लीजिए इतना मन से तन मन धन से लड़ा रहे हैं और बाद में चले गए रायबरेली से छोड़ के, फिर वो हमारे नेता है, वो उनके निर्णय के ऊपर, उनसे हम जीत कर सकते हैं, निर्णय उनके ऊपर थोप नहीं सकते, हम उन पर विश्वास है, पहले हमारी बात समझिए। तो फिर ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना, एक जगह से तो जा, अरे दोनों जगह से अगर जीत गए तो एक जगह खाली करनी पड़ेगी और फिर दोनों जगह कार्यकर्ता तुम्हारे लिए खड़ी हुई है कि हमारे लिए खड़ी हुई है? कौन सा हमें कौन सा टिकट चाहिए ये नेता की? तो फिर चाहिए कि हमारी एक सीट कम पड़ रही है। वो हमारे नेता हैं, वो जिस तरह से चाहेंगे हम लोग उस तरह उनके साथ, क्या समझो, वो जिस तरह चाहे, चाहे वायनाड छोड़े चाहे रायबरेली, इसमें कोई दो राय नहीं, हर जगह से खुश है हम लोग। लेकिन यहाँ पे वो वाला मामला फिट नहीं बैठ रहा, राहुल गांधी वाला, जाति वाला, जाति वाला मामला फिट। कौन जाति वाला? उनका हर जात अपना समझत, हमारे यहाँ का हर जात हर धर्म उनका अपना समझत, बाकी तो आप करत रहो जो करना हो। वही तो जाति की बात कर रहे हैं भैया, हम बता तो रहे हैं कि उनका जो है व्यक्तिगत, क्या समझो, उनको हर की उनकी जाति नहीं है, उनकी जात नहीं, वो सर्व जाति है, सर्व जाति है, हाँ सर्व जाति है राहुल का, सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या हुआ है? नारा उदे रहा है
कार्रवाई में तो यही कर रहा है कह रहे हैं सर्व जाति के हैं राहुल गांधी। हाँ हाँ सारी जातियों के हैं राहुल गांधी, सभी धर्मों के हैं राहुल गांधी। वोटर आईडी आधार कार्ड में तो कोई जाति हो। अरे यार फिर वही बात क्यों, आज तक आप पूछ रहे हैं तो क्या आपको नहीं मालूम है, बीजेपी वालों को नहीं मालूम है कि वो किस जाति के हैं, उनके आधार में नहीं लिखा है जाति के, मुझे नहीं आपको नहीं मालूम जो पूछ रहे हैं। पूछे कैसे ढंग से जवाब दे दी, हमारे ढंग तुम लिखियो तो अपने आगे अपने बापे का नाम ठीक है और जा रहे हो सबके पास। अच्छा ठीक है, नहीं हम तो तुमसे पूछा सवाल तब से कर रहे हो तो अब हम मान लीजिए अपने पिताजी का नाम लिखेंगे श्री कृष्ण कुमार अवस्थी, फिर हम अपने बाबा का नाम लिखेंगे श्री राम कुमार अवस्थी, अब राहुल गांधी का बताइए। हाँ तो राहुल गांधी का कौन है जानते क्या, राजीव गांधी पिताजी की, फिरोज गांधी बाबा जी, खान कुछ लोग कौन खान, अरे तुम अपना चाहे जौन कुछ कहो, तुम चाहे जौन कुछ कहो, राहुल गांधी पूरी तरह से भारतीय सभ्यता से ओतप्रोत हैं, भारतीय हैं। बाबा खान नहीं थे, खान नहीं थे, अब मैं फिर वही खान कर रहो। अरे नहीं, मंदिर याद है राहुल गांधी, अब वो तो सब मतलब कि हर जगह जाते हैं, जाते हैं ना, तो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन थे तो उनके बाबा कौन, अरे तो वो फिरोज खान नहीं रहे, पारसी रहे, और जो खान भी रहे हुई हैं तो भी कोई वो नहीं है, जो बदल क्यों दी जा, गांधी क्यों लिख दिया, काहे मोदी कौन सी जात है, मोदी कौन सी जात, अपने आप को पिछड़ा बताते हैं, क्या बताते हैं, पिछड़ा है, पिछड़ा हमें क्या मालूम, पिछड़ा बता तुम, तुम, तुम पत्रकारिता कर रहे हो, तुमका इतना नहीं मालूम तो पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, वो तो कहा दिल्ली समाज, नहीं वो तो कहा था कि हम इतना पास हैं, डिग्री सब फर्जी निकल रही, मान ले हो तो वैसे ही राहुल गांधी वाले हैं, राहुल गांधी का तो खुला, जौन भी कुछ है सब कुछ सामने, तो कौन कास्ट है मतलब कि राहुल गांधी की, गांधी कौन सी जाति है, गांधी कौन टाइटल, तो जाति कौन सी, जाति कौन सी, जाति नेहरू गांधी चलिए जी हैं, तो कौन सी जाति हुई ये, अरे यार तुम जा फिर वही बेतुकी पेले हो उनसे पूछो जाके ना, तो आप कार्यकर्ता उनके इसी वजह से आप तो यार हम उनके कैरेक्टर का देख के उनसे वो किया, जात से का मतलब है, नेता है हमारे, वो नजात है ना धर्म है, हमारे नेता है मानो, उनकी जात मानवतावादी है, धर्म भी मानवतावादी, बराबर का अधिकार सबको देते हैं, चाहे उपासी जात हो, नहीं मालूम आप लोग नहीं जात, तो देखिए अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर पूछे कि आपकी, मान लीजिए ब्राह्मण है, तो हमने कभी उचित ही नहीं समझा कि राहुल जी से ये बात पूछा जाए, डीएनए कराए, डीएनए क्या, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण है, फिर जात के नाम पे थोड़ी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो व्यक्ति के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ, सन 47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, रायबरेली में और अमेठी में या देश के अंदर के लिए सुई बनाने का कारखाना भारत के पास नहीं था, नहीं था लेकिन आजादी पहले कुछ नहीं था, देश आजादी के पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का था ना ऐसा थोड़ी था कि था ना, कहां रायबरेली, लेकिन अपने अपने उसमें आया, बताइए कोई रायबरेली अमेठी में बताइए सुई का ये कारखाना बताइए, लेकिन जब ये कांग्रेस की सरकार बनी तो आप देखिए एरोनॉटिक्स, हवाई जहाजों, उससे पहले क्या था, समतल था पूरा भारत, कुछ नहीं था, भुखमरी थे, तो क्या कब्जा किया था अंग्रेजों ने यहाँ धुन दलोत लूट करके लेके चले गए, तो जब कुछ था नहीं तो क्या लूट कर, नहीं नहीं था, क्यों नहीं था, सुनिए था क्यों नहीं, देश के अंदर बहुत था सोना चांदी जितना भी था, सोने की चिड़िया, लेकिन धन अधिकतर साहूकारों के पास, राजाओं के पास या फिर मंदिरों में था, तो था ना, हमें धन केवल रहा ना, तलवार से लड़त रहे, चाचा भी अपनी बात के आगे हट नहीं रहे, पीछे काहे हट जाई, काहे हट जाई, लेकिन जवाब भी नहीं दे रहे, कौन सा जवाब चाहिए भाई, पूछ रहे थे कौन सी जात यार, 10 साल में भाजपा की सरकार है, अच्छा राहुल गांधी की जात मालूम है आपको, मालूम है, नहीं भाई हमको नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं कभी हम लोग जरूरत नहीं समझे ना कि उनसे पूछा जाए किस जात की हो, ठीक है, गांधी कौन सी जाति है, गांधी है, राहुल गांधी थे, राहुल गांधी किस कास्ट भाई, फिरोज गांधी, राहुल गांधी कहते आपको मालूम, गांधी
मतलब किस कास्ट में आता है ये? हिंदू में आता है गांधी। मतलब वो एक तरीके से जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, पिछड़े में? जनरल में गांधी, सब जनरल में। जनरल मतलब कि रायबरेली में कितने गांधी परिवार होंगे? यहाँ गांधी परिवार तो है ही नहीं, नहीं। कुछ हैं, दो चार लोग मतलब उन्हीं के परिवार से होंगे, उनके परिवार के नहीं। जनपद उनका पूरा परिवार है, पूरा परिवार उनका है। जब से देश आजाद हुआ है तब से उनका तो पूरा परिवार है। ये तमाम सारे लोग हैं। हम कांग्रेस का कार्यालय है जो तिलक भवन, ये बहुत पुराना कार्यालय है। इससे मतलब कि कांग्रेस अपनी राजनीति यहाँ से दर पर दरद करती रही और इस कार्यालय का पुराना इतिहास है और यहाँ पे मतलब कि राजनीति बहुत पुरानी होती रही, जब से कांग्रेस की शुरुआत है शायद उस समय की राजनीति। जी 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 उसी समय से। ये कब का बना होगा लगभग कार्यालय? ये लगभग पचास साठ साल हो गया देश आज़ादी के बाद बना। जब कांग्रेस तिलक भवन का, हम कानपुर के रहने वाले हैं तो कानपुर में भी कांग्रेस का कार्यालय, उसका भी नाम तिलक भवन है। जी जी। तो तिलक भवन मतलब कि इस तरीके का क्या कुछ ऐसे है क्या? वो अपना बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से, तो बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से ये कार्यालय जो तिलक भवन है, और इसी तरीके का कार्यालय कानपुर पर भी कांग्रेस का बना हुआ है। तो हम कांग्रेस के ही लोगों से बातचीत कर रहे थे कि रायबरेली पर इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी भी प्रमुखता से लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के भी हमने कांग्रेस के तमाम सारे जो लोग हैं उनसे सवाल किया और भी सवाल किए कि इस बार कांग्रेस का यहाँ से जीतने का फैक्टर क्या रहेगा। तो ये सभी की अपनी अपनी बातें थी। हंसी मजाक भी बीच में हुआ, बीच में आक्रोशित भी हो गए, बीच में मेरे ऊपर सवाल एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप, तो ये तो चलता रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना है, देखते रहिए न्यूज़।